चलिए, तो आज हम बात करेंगे वर्किंग ऑफ डायनामो, राइट। जैसा कि हमने इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा था, अब हम इसकी वर्किंग के बारे में सीखेंगे, ये कैसे करंट इंड्यूस कर रहा है, राइट। तो वर्किंग ऑफ डायनामो या डीसी जनरेटर दोनों एक ही है। चलिए देखते हैं इसको। इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये क्या कह रहा है, मैकेनिकल एनर्जी को किसमें चेंज कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, कौन, डायनामो, राइट। तो डायनामो में अगर आप देखेंगे तो हमने ये देखा था कि ये एक शाफ्ट थी, यहाँ ये बंच ऑफ कंडक्टर था, आर्मेचर था, है ना, और ये दोनों इस बैरिंग पे यहाँ फिक्स थे, ठीक है। तो हम इसे मैकेनिकल एनर्जी दे रहे थे, मैकेनिकल एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो हम कैसे दे रहे थे, यहाँ हमने ये पुली लगा रखी थी, ये इस पे एक बेल्ट चढ़ाई हुई है हमने, और ये किसको सप्लाई दे रहे हैं, हम इससे इंजन से सप्लाई दे रहे हैं, और ये रोटेट हो रहा है ना, यहाँ इंजन से इसको ड्राइव मिल रही है, इस पुली को, ठीक। तो ये शार्प रोटेट हो रही है, ये शार्प रोटेट हो रही है, तो ये आर्मेचर कंडक्टर रोटेट हो रहा है, यानी कि ये मैकेनिकली हमने इसको रोटेट करा दिया, किसको, आर्मेचर कंडक्टर्स को, बंच ऑफ आर्मेचर कंडक्टर को, या आर्मेचर को हमने रोटेट करा दिया, किसकी सहायता से, इंजन की सहायता से। तो ये हमने इसे मैकेनिकल एनर्जी इनपुट के रूप में दे दी। अब ये क्या कर रहा है, ये हमने देखा था सारी चीजें, यहाँ मैग्नेटिक लाइंस जा रही थी, है ना, होल्स बना रखे थे हमने, तो उसकी वजह से फिर यहाँ क्या हो रहा था, कम्यूटेटर था, कार्बन ब्रशेस थे, और हम यहाँ से सप्लाई ले रहे थे, राइट, और यहाँ कोई भी हम इलेक्ट्रिकल लोड लगा सकते हैं। तो हमने क्या किया, बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी को, इंजन से जो हमें मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है, उससे हमने उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर लिया, राइट। द बेसिक रोल ऑफ द डायनामो इज कार इज दैट इट टेक द मैकेनिकल एनर्जी फ्रॉम इंजन, है ना, एज इनपुट, एज इनपुट एंड गिव्स द आउटपुट एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। ये वही बात कह रहा है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है फॉर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स ऑफ अ कार। अब देखिए वर्किंग ऑफ डायनामो को समझने की कोशिश करते हैं। पिछली क्लास में हमने ये समझा था कि मैंने एक बंच ऑफ कंडक्टर रख दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बना दी, है ना, उस फील्ड को बंच ऑफ कंडक्टर काट रहे हैं जिससे ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ना, और हमने फ्लेमिंग्स लॉ देखा था, है ना, फ्लेमिंग्स रूल समझा था, राइट एंड फ्लेमिंग्स रूल समझा था। तो उसकी सहायता से अब इसकी वर्किंग को समझने की कोशिश करते हैं एक टर्न लेकर। अगर मैं एक टर्न की बात करूं तो इसमें नंबर ऑफ कंडक्टर दो होंगे, देखिए ए और बी ये एक कंडक्टर है, एंड सी और डी ये एक कंडक्टर है, राइट। तो इसमें एक लूप में, एक इस लूप में कितने कंडक्टर, दो कंडक्टर है। तो अब हम यहाँ फ्लेमिंग रूल लगाकर देखेंगे, है ना। अब ये देखिए, ये कम्यूटेटर दिखा रहा है, जो हमने फिजिकली कम्यूटेटर देखा था कंस्ट्रक्शन में, ये वो दिखा रहा है, ये कार्बन ब्रशेस दिखा रहा है, बी वन और बी टू ये कार्बन ब्रशेस है, ये कोई इलेक्ट्रिकल लोड दिखा रहा है आपको, राइट। तो देखिए अगर मैं बात करूं इसकी फ्लेमिंग की, फ्लेमिंग राइट एंड रूल की, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें ये पता है कि ये मैग्नेटिक लाइंस नॉर्थ टू साउथ जा रही है हमेशा, है ना। तो जैसे ही ये नॉर्थ टू साउथ जाएंगी, देखो ऐसे करके आप हैंड से चेक कर सकते हैं, नॉर्थ टू साउथ जा रही है तो करंट का डायरेक्शन ये मेरी सेकंड फिंगर बनाएगी, बताएगी अंदर से, यानी कि मेरी साइड से आपकी साइड, मेरी साइड से आपकी साइड, है ना, ये हो जाएगा। तो हमें करंट का डायरेक्शन क्या मिल गया, ये देखिए जैसा कि इसमें दर्शा रहा है, ये है ना, तो क्या हो गया, मेरी साइड से आपकी साइड, तीर कुछ ऐसे जाएगा। तो अगर मैं इसका टॉप व्यू देखूं तो यहां अगर मुझे इंडिकेट करना हो तो मुझे क्या इंडिकेट करना पड़ेगा, प्लस, है ना। अब चलिए आगे चलते हैं, ये कंडक्टर कुछ यहाँ, ये कंडक्टर यहाँ आगे बढ़ेगा, यहाँ आएगा और यहाँ आ जाएगा, है ना। अब अगर मैं कंडक्टर का डायरेक्शन देखूं तो करंट कुछ कहाँ आएगा, सी से डी की ओर, ऐसे रोटेट हुआ, ये आया, अब कहाँ से आ गया, सी से डी की ओर। अब एक ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब ये सी और डी का अभी पहले इस डायरेक्शन में था, है ना, यहाँ पर है ना, साउथ पोल की डायरेक्शन में। अगर ये सी और डी ये रोटेट हो रहा है कंटिन्यूअसली पूरा लूप, तो ये सी और डी कहाँ पहुंचेगा, यहाँ ए और बी की जगह पहुंचेगा, देखिए इस सेकंड फिगर में ये सी और डी कहाँ आ गया, ए और बी की जगह आ गया। क्या डायरेक्शन करंट का चेंज होगा, यस डायरेक्शन करंट का अब चेंज हो जाएगा। अब डायरेक्शन देखिए, यहाँ पर आपको प्लस करना पड़ेगा सी और डी के केस में, सी और डी के केस में आपको प्लस करना पड़ेगा, और करंट बी से ए की ओर जो जाएगा वहां आपको कुछ ऐसे दर्शाना पड़ेगा डॉट, राइट। यहां से करंट जा रहा है और यहां पे करंट आ रहा है ना,
इसको हम एक कम्यूटेशन में और डीपली पढ़ेंगे, ठीक। तो ये यहाँ से करंट आ गया और ये आपको कम्यूटेटर में मिल गया, ब्रशेस के थ्रू हमने लोड कनेक्ट कर दिया, ठीक। चलिए आगे देखिए, हाउ टू गेट डीसी फ्रॉम कम्यूटेटर, कम्यूटेटर से हमें डीसी मिलती कैसे है वो समझने की कोशिश करते हैं। कम्यूटेशन इज द पोजिशन फॉर पोजिशन ऑफ डीसी जनरेटर ब्रशेज सो दैट कम्यूटेटर सेगमेंट चेंज ब्रशेज एट द सेम टाइम द आर्मेचर करंट चेंज डायरेक्शन, राइट। ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, अगर मैं ये एक टर्न की वेव बनाने की कोशिश करूं, ये हमने जो बना के देखी थी, ये मैंने एक वेव बना दी साइनसॉइडल वेव, राइट। ये कैसे बनेगी, ये एक राउंड से बनेगी, है ना। ये आर्मेचर एक राउंड, इसने एक चक्कर लिया, एक रोटेशन लिया, यहाँ से जीरो मान लेते हैं, जीरो 90, है ना, 360 हो जाएगा, पूरा रोटेट हो जाएगा। तो ये मैंने यहाँ 90 डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जैसा पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, तो ये यहाँ तक 360 हो जाएगा। लीनियरली हमने ऐसे ग्राफ पे कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है कि चेंज द डायरेक्शन, यानी कि ये पॉजिटिव यहाँ मिल रहा है करंट हमें, नेगेटिव यहाँ मिल रहा है। मान लेते हैं यहाँ हमें मैक्सिमम 10 एम्पियर करंट मिला, समझने के लिए यहाँ 10 एम्पियर करंट मिला, है ना, और यहाँ नेगेटिव 10 एम्पियर करंट मिला, यहाँ नेगेटिव नीचे 10 एम्पियर करंट मिला। तो अब देखिए, एक कंडक्टर का अगर मैं ले रहा हूँ तो ये कुछ ऐसे साइनसॉइडल वेव बन रही है। हमारे पास आर्मेचर के अंदर क्या है, नंबर ऑफ कंडक्टर, है ना, बंच ऑफ कंडक्टर्स। तो हम सोचते हैं, हम ये मानते हैं कि एक कंडक्टर कुछ यहाँ से, जब ये पहला कंडक्टर पॉजिटिव है तो दूसरा कंडक्टर यहाँ कहीं नेगेटिव होगा, राइट। अब ये पहला कंडक्टर जब नेगेटिव नीचे में गया तो दूसरा कंडक्टर क्या होगा, यहाँ कहीं पॉजिटिव होगा, है ना, ऐसा होता है। अब हम मान लेते हैं कि तीसरा कहीं कंडक्टर कुछ यहाँ कहीं होगा, इन दोनों के बीच में, है ना, यहाँ कहीं कुछ ऐसे होगा, कुछ ऐसे इसकी वेव जाएगी, राइट। तो ये यहाँ इसके सेंटर में कहीं पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है। एक कंडक्टर और कहीं ले लेते हैं, ये कुछ यहाँ कहीं होगा, है ना। तो नंबर ऑफ कंडक्टर्स इसमें ऐसे कुछ होंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, केवल ऊपर वाला पोर्शन, ये पॉजिटिव हाफ वेव, पॉजिटिव हाफ वेव ले रहे हैं, किसकी सहायता से, कम्यूटेटर की सहायता से, राइट। व्हाट कम्यूटेटर डज इज चेंज द कंडक्टर आफ्टर हाफ साइकिल, है ना। ये हाफ साइकिल कौन सी लेगा, केवल पॉजिटिव वाली, सेम ही है, राइट। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कैसे करेगा ये, हाउ टू गेट द डीसी फ्रॉम कम्यूटेटर, आखिर कर कैसे रहा है। देखिए ये हमने, अब इसमें मैंने फिगर दिखाया है, ये मैंने क्या किया, ये कुछ कम्यूटेटर की पोजीशन है। मान लेते हैं यहाँ ये कॉपर ब्रश लगा हुआ है और ये पॉजिटिव सप्लाई दे रहा है, राइट। अब ये फिक्स रहेगा, ये वाला नीचे वाला हाफ यहाँ पे, ये क्या होगा उस टाइम, नेगेटिव, जब ये पॉजिटिव है ना। तो इस कार्बन ब्रशेस के थ्रू हमने सप्लाई ले ली पॉजिटिव। अब जैसे ही ये वाला नीचे हाफ पोर्शन ऊपर पहुंचेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे वाला अब यहाँ आके ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो फिर यहाँ से ये सप्लाई ले लेगा, है ना, और ये नेगेटिव हाफ वेव को छोड़ देगा। तो ये किसकी वजह से हमें डीसी मिल रही है, कम्यूटेटर की वजह से, राइट। जब हम एसी पढ़ेंगे तो हम देखेंगे यहाँ क्या होगा, ये कुछ ऐसे होगा, कंटिन्यूटी में होगा, यहाँ कोई स्प्लिट नहीं होगा, है ना, यहाँ कहीं कुछ ब्रशेस लगे होंगे, है ना। यहाँ हम दो रिंग्स यूज करते हैं, एक रिंग ये रही, एक रिंग ये रही, और दोनों कंटिन्यूटी में रहेंगी। ये ब्रशेज हैं, ब्रशेज की सहायता से हम सप्लाई लेते हैं, यानी कि हम इसमें ऊपर की पॉजिटिव और नीचे की नेगेटिव वेव दोनों प्रयोग में लेते हैं, किसके अंदर, एसी सप्लाई के अंदर। ये जब हम एसी की बात करेंगे वहां देखेंगे, राइट। तो एसी के अंदर हम दोनों हाफ वेव यूज करेंगे, जबकि डीसी के अंदर केवल हम ऊपर की पॉजिटिव हाफ वेव प्रयोग में ले रहे हैं, राइट, कम्यूटेटर की हेल्प से। देखिए इस स्लाइड के थ्रू हम इजीली समझ सकते हैं, ये 90 डिग्री पर है, है ना, जीरो पे है, जीरो से ये 90 पर आ गया, कुछ पोजीशन ऐसी होगी, फिर ये 90 रोटेट हुआ, कुछ ऐसी होगी, फिर ये 90 रोटेट हुआ, फिर ये 90 रोटेट हुआ, है ना। तो एक चक्कर में मान लेते हैं इन दोनों के यहाँ पर, यहाँ पर ये इसने ये हाफ वेव ले ली, है ना। अब ये नेगेटिव कहीं जाएगी हाफ वेव, तो इसको हम कैंसिल कर रहे हैं जैसा कि हमने समझा है, है ना। तो ये दूसरे कंडक्टर की फिर आ गई पॉजिटिव वेव, इसको हमने ले लिया, इसको ले लिया। अब ये जो नीचे है, ये माइनस वाली, ये माइनस की है ना, ये माइनस है, तो ये माइनस वाली फिर ये हमने कैंसिल कर दी, ऊपर वाली ले ली, है ना। तो देखिए इसमें, इस फिगर के माध्यम से हम समझ सकते हैं, जीरो, 90, 180,
है ना, 270, 360, ये कुछ है। तो यहाँ बंच ऑफ कंडक्टर की जो वेव होगी वो कुछ ऐसे होगी, जैसा कि अभी हमने तीन कंडक्टर की लगा के देखी थी, तो वो कुछ बंच ऑफ कंडक्टर्स की कुछ ऐसे होगी। तो हमें देखिए डीसी कैसे मिलेगा, एक लीनियरली मिलेगी, एक लीनियरली मिलेगी। अगर मैं इस डीसी की बात करूं तो ये क्या है, फ्लक्चुएटेड डीसी है। अगर मैं यहाँ इस डीसी की बात करूं तो ये क्या है, इसमें फ्लक्चुएशंस कम है ना, या फ्लक्चुएशंस नहीं है। तो हमें डीसी में क्या मिलेगी, एक लीनियर लाइन मिलेगी। डीसी का ग्राफ अगर आप बनाएंगे तो ये हमें एक लीनियर लाइन मिलेगी, है ना, डीसी सप्लाई में। अगर मैं एसी की बात करूं वो हम पढ़ेंगे, तो उसमें हमें साइनसोइडल वेव मिलेगी, या साइन वेव भी इसे बोल देते हैं, साइन वेव मिलेगी। जबकि डीसी में एक लीनियर लाइन मिलेगी, हमें सीधी लाइन मिलेगी, राइट। चलिए, तो प्रिंसिपल ऑफ कम्यूटेशन पढ़ने से पहले हम इस पोर्शन के जितने भी आपके डाउट्स हैं पहले वो ले लेते हैं, उसके बाद हम प्रिंसिपल ऑफ कम्यूटेशन के बारे में सीखेंगे।